गाइस, अब मैं रिया करने वाली हूँ ऑन मुनव्वर फारूकी चग लाइव फ्रॉम बिग बॉस 17। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। बट आई फील रियली सैड फॉर मुनव्वर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनको उस तरह से रोते हुए देखना, क्योंकि बहुत अच्छे से मुझे पर्सनली वो पसंद है। और जो भी उनके और उनके जो भी आयशा नाम है ना उनका, क्या नाम है, आयशा ना, उनके बीच में जो भी रिफ्ट्स हैं, आई गेस कि वो इतना ज्यादा ना लाए, मुझे अच्छा नहीं लगा। आज मैंने देखा कि मनारा और अंकिता का कुछ तो हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, और ठीक है, अच्छा कर रहे हैं सब। हाँ, मैंने देखा वो किचन में पोहे के ऊपर कुछ लड़ाई हुई थी। हाँ, ऐसे कुछ कुछ मैं देखती रहती हूँ। दोनों का बच्चों की तरह दोनों बिहेव कर रहे हैं और बहुत एडल्ट हैं दोनों, बहुत समझदार हैं, बट स्टिल दे बिहेविंग लाइक 16 इयर्स ओल्ड। तो मुझे वो देख के बड़ा अटपटा लग रहा है कि आप लोग मैरिड कपल है, मतलब इतना साल हो गया शादी को, तो क्या आप बिग बॉस में आके एक दूसरे को जान रहे हो, क्या हो रहा है भाई? तू हाथ लगाना, ए तू हाथ लगाना, लगाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना, लगाना लगाना दिखाना, लगाना लगाना अरे दिखाना, लगाना लगाना डिसीजन आएगा बिग बॉस का, लगाना लगाना दिखाना, लगाना दिखाना, लगा तो तू दिखा तो आपकी सराखों पर। प्यार मुनव्वर नाजिला से करता है तो फिर ये क्या कर रहा है? ना उसके पास किसी और से बात करने का टाइम है, ना वो किसी और को टाइम दे रहा है। ये गलत हो रहा है। थोड़ा सा तो मुझे भी उसको अजीब लग रहा है, मेरी समझ से एक्चुअली बाहर हो रहा है। बिग बॉस, मैंने मेरी जिंदगी में इतनी मदद करते हुए आपको किसी की नहीं देखा जितनी आप मनारा की करते। मनारा अंदर आ गई। अच्छा मनारा, मन नहीं लग रहा घर में? आओ मैं तुम्हारे साथ खो खो खेलूंगा। अच्छा मनारा, रो रही हो? कन्फेशन रूम में आ जाओ। मनारा का मन नहीं लग, जी घबरा रहा है? अच्छा जी मनारा, ठंडा करने का मनारा, अंदर आ जाओ। अरे भाई, हर बात में इसको अंदर बुला बुला के सब खुदा गेम खा गया तू। बिग बॉस, तू एक कंटेस्टेंट बनके क्यों नहीं खेलने का? मुझे दो तीन दिनों से ऐसा लग रहा है तुम्हारी फटी फटी सी पड़ी है मनारा, मतलब तुम थोड़ी खोई खोई सी हो मनारा, दोनों के इक्वल फॉलोवर्स होने की वजह से। अरे क्या कर रहे हो बिग बॉस? आप मुझे 10 साल से जानते हैं, मैं आपको 10 साल से जानता हूँ। 10 साल जानता हूँ आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी, आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है मेरी, तो फिर आप शायद याद रखने लायक नहीं है। इसको बोलते हैं वन लाइनर्स। को ये लगता आया है कि मनारा अजीब वाइब देती है और उसने आपके और उसके बीच एक दीवार खड़ी कर दी। उसने खड़ी कर दी या आपने खड़ी कर दी? अगर वाइल्ड कार्ड कोई मनारा को टोंट मारती है इंडिविजुअलिटी पर, तो मनारा के पास सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मुनव्वर। बट अगर मनारा सेम टोंट मारती है तो फिर वो मुनव्वर का सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ चला जाता है? आपके एक बुरे वक्त के दौरान कई सारे घर वाले खड़े थे आपके साथ, लेकिन जिस तरह आपने अंकिता या रिंकू के एफर्ट्स को रिस्पेक्टफुली अप्रिशिएट किया, वैसे आपने मनारा को कभी नहीं किया। क्या बस बोलना, बता। मैंने कुछ बोलना ही, तू बोल चाहता है मैं बोलूं पर मैं नहीं बोलना। मैं नहीं चाहता तू बोले, तू हंसा ऐसा हंस रहा है, ऐसे इसलिए बोल। तो तेरी गलती मान ही नहीं रहा अब। कुत्ते मत बोले सा। गलती थी नहीं भाई, वो बहुत गलत दोस्त है तू। मेरे को रिंकू जी जैसे लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। होना ही रिंकू जी तो बोलती है, मुझे समझ नहीं आ सकती रिंकू बात ये है। रिंकू जी जैसे लोग के साथ ही बैठना चाहिए। रिंकू जी सीधा सीधा बोलती है, तुम झूठे हो। मैं बोला तो भाई झूठ कर रही है अभी भाई, कोई भी मैं पागल हो जाए भाई। छोटी छोटी चीजें हैं ये वाली शर्ट, अच्छे लग रहे हो आज ही करो, करे क्यों नहीं, फिर से कर लो, लेसेस बांधो, पैर नीचे रखो भाई साहब। देख रहा बंदा कहे जोरू का बुलाओ, ऊपर से बला की खूबसूरत। आशा हाँ जी, क्या करना चाहिए? नियम उल्लंघन के लिए इनको निकाल देना चाहिए? नहीं बिग बॉस, जाने दीजिए। मैंने तो बहुत पहले कहा है, अब वो भी प्यार करती है, बस बोल रही है यू ही।
कि मुझे कोई फर्क नहीं है या मेरे को कुछ लेना देना नहीं, बट प्यार है अब। You nominated me when you went inside the confession room. Yes or no? No. Be honest. Kya tha? Being honest. Wait a minute. Who are you? बस मेरा पहला नाम है अनुराग, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं एक दोस्त था, वो 2 बजे आता था, खाना वाना हो जाता 1:30 बजे, और 2 बजे ना वो ऐसे मेरी डेली है, उसका टक करके खोलता था, मुनव्वर उतना आवाज देवे, मैं पहना चप्पल और निकल गया खेलने। 2-3 साल तक का ये एक रूटीन है कि 2 से शाम के 6 बजे तक हम लोग क्रिकेट खेलने ग्राउंड पे जा रहे रोज, एक भी दिन मिस नहीं हो रहा, ठीक है, एक भी दिन मिस नहीं हो रहा। एक रात में हम लोग बैठे हुए थे और मालूम पड़ा कि एक्सीडेंट हो गया वो लड़के का, और क्रिकेट का उसको इतना शौक था कि वो मेरे गाँव से 40 किलोमीटर दूर एक टूर्नामेंट होता नाइट टूर्नामेंट होता, तो वो टूर्नामेंट देखने गया था क्रिकेट मैच का। वहां से रिटर्न में जब आ रहा था, बाइक पे थे दोनों, ट्रिपल सीट थे, तो एक कार वाले ने सामने से वो हाईवे पे जंगल में उड़ा दिया, तो जंगल में वो तो जगह पे ही उसकी डेथ होगी, दूसरा वाला 2-4 दिन के बाद उसकी डेथ। तो अब कैसा हो गया पता है, गुजर गया, उसकी डेथ हो चुकी है, और दोपहर में 2 बजते ना जैसे ही, और मैं ऐसा बैठे रहूं, और कितने टाइम तक ना मुझे ऐसा लगे कि बुलाना आने वाला है, वो प्रोसेस नहीं होता ना, आपने छोटी एज में आपको डेथ इतनी प्रोसेस नहीं करते, बिल्कुल नहीं होती। लाइट छटता है, उससे बोला था चेंज कर दिया, मां कसम यार। अच्छी शर्ट वाले मुनव्वर, एक सवाल है मेरा, जो आपने अच्छी सी शर्ट पहनी है किसने भेजी ये इंडियन कॉस्ट्यूम में आती है या फिरंगी कॉस्ट्यूम में? वेस्टर्न समझ लीजिए, हम समझ गए बिग बॉस, वेस्टर्न बिग बॉस। ओह वेस्टर्न, सोचना पड़ेगा। चलिए क्या फर्क पड़ता है, किसी में भी आए शर्ट अच्छी होनी चाहिए जो है। मैं बोल दूं, आपके जितने भी बॉन्ड है ना, वो तभी बने हैं जब वो इंसान अंकिता या विक्की से लड़ा है। थैंक यू, बोलिएगा यही का ऑब्जर्वेशन, यही रीजन है, तभी बने। और राशन वाशन में कुछ तो ऐसा कांड कर दो ना, ऐसा कांड कर दो ना कि सबके हाथ में 2-2 एप्पल दे दो, बोलना टुकड़ियां करके खाओ पूरा, कुछ तो ऐसा। नहीं ये हफ्ते मत करो, ये हफ्ता थोड़ा, एक हफ्ता थोड़ा टफ गुजरा है, ये हफ्ता खाना दे दो, फिर उसके बाद वाले हफ्ते में सबको आधा आधा ग्लास दूध पकड़ा दो, बट ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ तो ऐसा कर दो ना कि घर का ऐसा मामला पूरा हिल जाए। उसने मेरी वजह से कुछ सफर किया, भले वो गलत दिख रहा हो, देख मुझे ये चीजें तो सीखनी है ब्रो, कि मेरे को जो भी दिल में आ रहा है वो मैं करूँ, मेरे दिल में भी ये आ रहा है कि मैं उसके लिए अगर खाना गर्म कर रहा हूँ ना, so I'm being respectful to the women जिसको मैंने hurt किया। Okay, ये reason मेरे को समझ में आ गया, उसे जब episode में बोला था कि इस वजह से मैं उसकी बातें मान रहा हूँ या मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, उससे प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कब हुई, जब पूरे शो में मुनव्वर सिर्फ आयशा मतलब उसी के साथ बैठ रहा है, उसी के साथ खाना खाते हुए दिखा है, तो वो शो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, कंटेंट थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बिकॉज लोगों को और चीजें देखनी है। प्रॉब्लम किसी को नहीं कि तुम उस लड़की की रिस्पेक्ट करो जिसको तुमने इतना दुखाया कि उसने आके दिखाया वो अपना दुख कि तुमने ये क्यों किया। ओके, तो वो मुझे नहीं लगता उससे किसी भी इंसान को प्रॉब्लम होगी, बट जो है ना उसके साथ 24 घंटे इतना उठना बैठना है कि बाकी किसी के लिए टाइम नहीं है, ये इसके गेम पे इफेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बिकॉज मुनव्वर का एकदम क्लियर विनर टाइप लग रहा था, एक विनर मटेरियल बिग बॉस के घर के अंदर,
तो बिग बॉस एक के बाद एक क्या बोलते हैं मुसीबत लाना चाहते हैं मुनव्वर के लिए, जैसे कि अभी आयशा हो गया, उसके बाद वीकेंड के बारे में तुमने मनारा को क्यों पैम्पर नहीं किया, उसके ऊपर मनारा को क्यों पैम्पर करेगा कोई, थोड़ा सा समझ के बाहर है वो चीजें कर रही है, वो समझ के बाहर है, पीठ पीछे तो हमेशा से बातें करते हुए आई है वो, जो मुनव्वर ने खुद अपने कानों से सुनी है, तो क्यों करना किसी ने। सो ऐसा लगता है यार मुसीबतों पर मुसीबत लाई जा रही है मुनव्वर पे शो के अंदर। आपको क्या लगता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियाले चा बाय।